राधे राधे कृष्ण रसिक के चैनल में आप सब मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी के पास आप सब ठीक होंगे। आज मैं अभी आपको नाश्ते के ही सारे भोग में दिखाऊंगी, क्योंकि जो जल्दी बन जाते हैं बहुत, क्योंकि सबको सुबह टाइम नहीं होता, तो थोड़ी प्रिपरेशन अगर आप करके रख लो तो वो भी जल्दी हो जाता है। जो इंस्टेंट वाले हैं वो मैं आपको बता ही देती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ दूध वाले ब्रेड। जब हम छोटे थे तो हमारे मम्मी डैडी में दूध में डिप करके ब्रेड बना के मीठे देते थे, तो वो मैं बताऊँगी। बहुत ईजी, कुछ नहीं, आपको ब्रेड लेनी है। मैं तो हमेशा व्हीट ब्रेड लेती हूँ, आटे की ब्रेड ही लेती हूँ। हम आटे की ले सकते हैं या जैसे आपका मन करे मैदे की ले सकते हैं, लेकिन आटे की लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैंने ये दूध ले लिया है। मेरा दूध ये ज़्यादा गर्म हो रहा है, लेकिन आप ज़्यादा गर्म मत लेना, नॉर्मल ले सकते हो, ठंडा भी ले सकते हो, दोनों ले सकते हो। तो मैं आपको, मेरे को तो आदत है इसलिए मैं बना लूँगी। और बस इसमें मिलानी है शुगर। आप ये शुगर यूज़ करते हो तो ये मिला सकते हो, बूरा मिला सकते हो, जो भी आपको अच्छा ही लगे, और शुगर फिर भी बना सकते हो आप, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसमें चीनी घोल लेती हूँ। तो मीठा अच्छे से इसमें चीनी घोल लूँ। तो देखिए मैंने चीनी घोल ली है, ये देखिए। तो क्योंकि मैंने इसलिए लिया क्योंकि सुबह का टाइम है, और अब तो वैसे भी मौसम ठंडा है, तो दूध बस ऐसे करते करते ही ठंडा हो जाएगा। लेकिन आप नॉर्मली लेना, क्योंकि हैबिट के ऊपर होता है, अगर आप बना सके तो बना लेना। तो देखिए बस चीनी घोली गई है अच्छे से। तो ये 2 मिनट में बनने वाली रेसिपी है फटफट से। तो अब मैं थोड़ा घी लगा लूँगी। आप कुछ भी ला सकते हैं जो यूज़ करते हैं। तो मैंने ब्रश ले लिया, आप चम्मच से ला सकते हैं, ये देखिए। क्योंकि नॉनस्टिक तवे पे ज़्यादा अच्छे से बनते हैं ब्रेड। अगर किसी का नॉनस्टिक तवा नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप जो नॉर्मल लोहे वाला तवा होता है उसको अच्छी तरह मांझ के, अच्छी तरह से, मतलब प्लेन एकदम करके, तब आप घी लगा के और फिर आप करें। और ये देखिए, और अब देखिए मैं इसमें बस फटाफट से ये ऐसे डिप कर लेना, क्योंकि एकदम गल जाता है ये। और ऐसे रखते हैं, ऐसे ही मैं दूसरा ले लूँगी ब्रेड, क्योंकि दूध मेरा बहुत गर्म है इसलिए जल्दी से गलेगा, बट आप ध्यान रखना। ये देखिए, तो ये दोनों ब्रेड मैंने रख दिए हैं, क्योंकि ये चिपकते हैं थोड़े से इसलिए। और यहाँ बन रही है चाय, सुबह का टाइम है, तो मेरी चाय देखिए, आप मन कर रहा ना देख के चाय पीने का। चाय देखिए, तो क्योंकि सुबह सुबह के टाइम, और ये ब्रेड, ठीक है। अब ब्रेड पे अभी ये होने देना थोड़ा सा, नॉनस्टिक पे तो बहुत इजी से हो जाता है। और ऊपर भी मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी, तो मतलब कि देसी घी है ये, तो बट आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। और बस अभी पकेगा तो ये, और आपको बस ये कुछ सेकंड के लिए रखना है, तो आपको पता लग जाएगा थोड़ा सा कि हार्ड सा होगा नीचे से, फिर आप इसे चेंज कर सकते हैं आराम से इजीली, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसे ध्यान से करना पड़ता है। ये देखिए, वाह, एक तरह से जैसे पैनकेक होता है ना, वो बन जाता है। कभी हुआ तो वो भी मैं बना के दिखाऊंगी आपको, पैनकेक भी। तो सेम यही है, एक तरह से वो भी मैदा ही होता है, और ये आटा है बल्कि। और बस रेडी हो गए मीठे मीठे दूध वाले ब्रेड, और इतने यमी लगते हैं ना, आप ट्राई करना, आप बच्चों को भी खिलाना, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि एक आटा ब्रेड है, दूध भी है और देसी घी भी है, ठीक है जी। और बस बन गया, तो अब मैं ये भोग लगाऊंगी, बाकी आप आपकी इच्छा सकते हैं। ये देखिए एकदम स्लाइड हो रहा है इतने अच्छे से, आपको मैं दिख रहा हूँ अच्छे से, तो और यम्मी से आ रहा पास से भी, देखिए। और देखिए बस हो गए, तो देखिए दोनों तरफ से कंप्लीट, और ये सॉफ्ट ही रहते हैं तभी तो दूध का मज़ा आता है इसमें। तो ये आ गया 1, और ये आ गया। तो पहले लगाते हैं भोग, फिर बनाते हैं। और तो ये अभी अगर आपका दूध जैसे बच जाता है, अभी तो खैर मैं और भी बनाऊंगी, अगर ये दूध बच जाता है तो आप बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि मीठा है। इसको छान के, क्योंकि ब्रेड वगैरह इसके क्रम्स डल जाते हैं, तो इसको छान के आप बच्चों को भी दे सकते हो, चाय में भी डाल सकते हो, तो दोनों यूज़ हो सकते हैं आपके, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं अगर दूध बच जाता है। और ये अब मैं बिहारी जी के लिए ब्रेड बन गए हैं, और अब ठंड है तो बादाम बिना भिगोए रख देती हूँ बिहारी जी के लिए। चलिए चलते हैं नाश्ता भोग लगाने। और अब मैं ये तुलसी पत्ते भी रख दिया है,
तो देखिए कितनी झटपट से रेसिपी बन के रेडी होगी अब बिहारी जी के लिए, और बिहारी जी भोग लगाएंगे और मेरे लड्डू लाडली का भी। तो इस तरह से आप बना सकते हैं प्यारी सी बढ़िया सी झटपट रेसिपी। मेरे मन में बहुत आते हैं नाश्ते में आप इतनी चीज़ें दिखाते हो, तो आप बना के दिखाया करो। तो काफ़ी जब मेरे को कमेंट डालने लगे तो मैंने सोचा क्यों ना भाई, जब बनाते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हम भी जल्दी कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने सोचा आपको दिखाऊं। सुबह का टाइम होता है तो ऐसे ही मिलती हूँ मैं आपको। तो जय श्री राधे, दर्शन कराती हूँ आपको। मैंने देखा ये भोग यम्मी यम्मी, तो ये सॉफ्ट बहुत हैं दूध वाले ब्रेड, मीठे मीठे, और जब आप बनाएंगे सच्ची बहुत टेस्टी लगेंगे। अगर आपका मन हो तो इस पर बटर रख के भी खा सकते हो, बहुत ही यम्मी लगते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करना, बच्चों को भी खिलाना। और ये बैठे मेरे लड्डू लाडली भोग स्वीकार करने के लिए आए थे, मेरी लाडो हो दुल्हन बन के बैठी है, और बिहारी जी परिवार है ये पूरा, भोग स्वीकार करें, सुबह का टाइम है। तो ये झटपट बनने वाली रेसिपी है जो मैं आपको बता देती हूँ, 2-4 मिनट या 10 मिनट तक सब बना देती हूँ मैं। तो ये जय श्री राधे, ज़रूर से बताना कि आपको कैसे लगे।